आपण बघतोय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील आता थोड्याच वेळामध्ये बोलतील आणि ते नेमकी काय भूमिका मांडतील हे बघावं लागणार आहे, कारण राष्ट्रवादीची हॉटेल सोफिटेल मध्ये महत्वाची बैठक सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आहेत शरद पवार आहेत, सुप्रिया सुळे आहेत, आदित्य ठाकरे आहेत, उद्धव ठाकरे आहेत, आणि आता जयंत पाटील काय बोलत आहेत हे बघावं लागेल. आराम से थोड़ा पढ़ने का स्पेस दे दो. टाइम थोड़ा कम नीचे कर लिया हरमन. आप हिलो मत, आप मत हिलो, मैं जरा अंतर नहीं आएगा. क्या तुमची मीटिंग झाली काय नेमकं या मीटिंग? विधानसभा महाराष्ट्र में प्रोटेम स्पीकर हंगामी स्पीकर नेम अपॉइंट करने के बारे में हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक खत लिखा है. राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस के तरफ से ये खत हम थोड़ी देर के पहले उन्हें भेजा है, मेल पे भी भेजा है. मेल का रिपोर्ट हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हमने मांग की है कि प्रोटेम स्पीकर कौन होना चाहिए. इसके लिए कौल और शकदर की जो बुक है उसकी 7th एडिशन में उन्होंने कहा है, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है. उसमें 7th एडिशन में कहा गया है कि द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा और विधानसभा इज चोजन फॉर अपॉइंटमेंट एज द स्पीकर प्रोटेम. साथ साथ सुभाष कश्यप, उनके पार्लियामेंट्री प्रोसीजर लॉ प्रिविलेजेस एंड प्रेसिडेंट 3rd एडिशन में ऑब्जर्व करते हैं कि द सीनियर मोस्ट मेंबर हु इज समटाइम्स एंड ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द हाउस इज अपॉइंटेड स्पीकर प्रोटेम. इसीलिए हमारे तीनों पार्टियों का एक कहना है कि राज्यपाल महोदय प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करने के बारे में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा टर्म विधानसभा में जिन्होंने समय बिताया है, जो 7 बार चुन के आए हैं, जिनकी यह 8वीं टर्म है, वो बाला साहेब थोरात यही प्रोटेम स्पीकर का अधिकार पाते हैं. ये मांग हमने राज्यपाल महोदय से की है. साथ में इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आज वर्डिक्ट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने क्लियर किया है कि प्रोसीडिंग्स शुड बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. The law and the constitutional convention is unequivocally clear in this regard that the pro tem speaker has to be the senior most member of their house. इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार की मेजॉरिटी अभी प्रूव नहीं हुई और इसीलिए pro tem speaker appointment of speaker pro tem in this regard cannot be done by the governor with aid and advice of Shri Devendra Fadanvis. Or Mr. Devendra Fadanvis has no constitutional right or authority to advise your excellency for appointment of pro tem speaker
बिफोर प्रोवाइडिंग द मेजॉरिटी इन द हाउस। ये हमने मांग राज्यपाल महोदय को कुछ देर के पहले की है और हमें विश्वास है महामहिम राज्यपाल महोदय जो हम कह रहे हैं हमारी मांग के तरफ देखेंगे। और सबसे पुराने बहुत साल से महाराष्ट्र की विधानसभा के कायदे कानून की जिनको अच्छी तरह से वाकिफ है वो ये बाला साहेब थोरात द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस, उनको ही प्रोटेम स्पीकर करके अपॉइंटमेंट करे। सर ये कन्वेंशन है, मैंडेट नहीं, और कर्नाटक में ये फॉलो नहीं हुआ था। सर दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन एंड नॉट अ मैंडेट इन कर्नाटक। दिस कन्वेंशन वाज नॉट फॉलोड। सीनियर मोस्ट एमएलए वाज नॉट अपॉइंटेड द प्रोग्राम स्पीकर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिखित स्वरूप से कॉल और शकदर और सुभाष कश्यप इन्होंने ये लिखित स्वरूप में अपने ओपिनियंस और इस देश में अलग अलग विधानसभा और लोकसभा में जो प्रोसीजर अपनाई गई है इसके पहले उसके बारे में जो वक्तव्य किया है लिखा है वो मैंने आपको बताया। तो गवर्नर है द पावर टू नॉट टू लिसन टू दिस। ये स्वविवेक पर आधारित कार्यक्रम है। इस राज्यपाल का कन्वेंशन इज नॉट अ मैंडेट, इट्स हिज प्रोजेक्ट। अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी स्ट्रेटजी, क्योंकि कर्नाटक में कन्वेंशन फॉलो नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए कर्नाटक में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति न होने के लिए हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के दिग्दर्शन में ये लाया है। और जो सबसे पुराना है, जो सबसे ओल्ड है, जो सबसे ज्यादा अनुभव का है, वो अगर प्रोटेम स्पीकर होगा तो हमारा ये विश्वास है कि उसके पास से किसी के ऊपर कुछ अन्याय नहीं हो सकता। बबनराव पाचपुते और कालिदास कोलमकर दो चार बार हार चुके हैं। ये बाला साहेब थोरात जब से आए हैं विधानसभा में तब से हाउस में है और वो इन दोनों के पहले से महाराष्ट्र के विधानसभा में ज्यादा उनका अनुभव है। आपने गवर्नर के तरफ से हमेशा सवाल उठाया है, क्या आपको लगता है कि आपको डर है कि बीजेपी को फेवर किया जाएगा, प्रोटम स्पीकर चुनते वक्त उनका स्पीकर चुना जाएगा, सीनियरिटी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, क्या आपको कोई डर है? हमें कर्नाटक में जो हुआ भाजपा ने अलग अलग ढंग से जो चीजें की वो महाराष्ट्र में भाजपा न करे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं। हमारी अपेक्षा है कि महामहिम राज्यपाल महोदय इस बारे में विचार करे और जो सबसे सीनियर मोस्ट है उसको अगर अपॉइंट करे तो किसी के ऊपर अन्याय की अन्याय नहीं होगा। तो क्या आप लीगली उस चीज को चैलेंज करने के लिए भी कल तैयारी कर रहे हैं रात के टाइम पे? उसके बारे में आज मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अजीत पवार का मामला ये अभी मराठी में मैं शुरू करता हूँ, बाद में आपके सवाल। महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये हंगामी अध्यक्ष नेमण्याच्या प्रोसिजर्स बाबतीत या महाराष्ट्राच्या विधानसभेची आणि देशाच्या लोकसभेच्या परंपरा आणि प्रोसिजर्स यापूर्वीचे जी अनुभव आहेत ज्या हिस्टॉरिकल वेगळ्या वेळी ज्या पद्धतीने निर्णय घेण्यात आलेत त्या बाबतीत आम्ही महाराष्ट्राच्या राज्यपाल महोदयांना शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी एकत्रित म्हणून आज पत्र एक दिलेलं आहे आणि त्यात आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे, विनंती केलेली आहे की एम एन कौल आणि एस एल शकदर यांचं जे पुस्तक आहे ज्याचं प्रॅक्टिस अँड प्रोसिजर ऑफ पार्लमेंट त्याची सेवन्थ एडिशन जी आहे त्यात असं म्हटलेलं आहे की द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा इज चोजन फॉर अपॉइंटमेंट ॲज द स्पीकर प्रोटेम। हे सगळ्यात मोठा सीनियर मोस्ट जो विधानसभेचा सदस्य असेल तो प्रोटेम स्पीकर होतो। त्याचबरोबर सुभाष कश्यप यांच्या लेखनात देखील याचा उल्लेख आहे ज्याचं नाव लॉ प्रिव्हिलेजेस अँड प्रेसिडेंट थर्ड एडिशन, त्यात 14.4 पॅरेग्राफमध्ये म्हटलेलं आहे
the senior most member, who is sometimes also called the father of the house, is appointed speaker pro tem. याचा अर्थ असा आहे की या निवड या विधानसभेमध्ये सगळ्यात जुना जो सदस्य आहे, अनेक टर्म ज्यांनी पूर्ण केलेले आहेत, सगळ्यात ज्येष्ठ जो सदस्य आहे त्याला प्रोटेम स्पीकर साधारणपणाने करणं आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी आम्ही राज्यपालांना विनंती केलेली आहे की बाळासाहेब थोरात हे प्रोटेम स्पीकरचा अधिकार त्यांना आहे, ते सगळ्यात सिनियर मोस्ट आहेत, त्यांनी निवडणुकीत्या निवडून येऊन महाराष्ट्राच्या विधानसभेत जास्तीत जास्त वेळ घालवलेला आहे आणि 7 वेळा ते निवडून आलेले आहेत. ही 8वी टर्म आहे आणि एवढा सिनियर मोस्ट कुणीही सदस्य नसल्यामुळं हा अधिकार बाळासाहेब थोरातांना जातो. त्याचबरोबर आम्ही सर अजित पवार ने शुभ अजित पवार जी ने रिजेक्शन दिया है, ये जानकारी आप मुझे दे रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ पता नहीं है और इसकी मालूमात करने के बाद मैं इसके ऊपर टिप्पणी करना चाहूंगा. माझा आधी ऐका मग तुमचं. दो मिनट, अरे ये बताना चाहिए मराठी पे, मराठी में क्यों अन्याय कर रहे हैं आप? मराठी मराठी के मराठी में मुझे कहने दो. आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये राज्यपालांना आम्ही विनंती केलेली आहे की देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची मेजॉरिटी सिद्ध केलेली नाही आणि म्हणून त्यांनी सल्ला दिलेला माणूस नेमण्यापेक्षा महाराष्ट्रातला सगळ्यात जास्त वयात जास्त कालावधी ज्येष्ठ अशा सदस्यांना त्यांनी नेमावं अशी विनंती केली. आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील सांगितलेलं आहे की इन अकॉर्डन्स विथ द लॉ आपण या पद्धतीने नियमाने कामकाज चालवावं. आमची अपेक्षा आहे महामहिम राज्यपालांकडून की ते बाळासाहेब थोरात यांना प्रोटेम स्पीकर म्हणून नेमतील. मुझे मालूम नहीं की अजित पवार जी ने राजीनामा दिया है की नहीं. वापस आ सकते हैं आप? कहते हैं, आप कहते हैं, लेकिन मैं उसको कन्फर्म करता नहीं हूँ. कन्फर्मेशन के बाद अगर राजीनामा सचमुच हुआ तो मैं फिर एक बार बाहर आके आपको मिलूंगा. लेकिन सरतरच्या प्रश्नाला युद्ध चालू असताना उत्तर देणं योग्य नाही. उद्या आम्हाला महाराष्ट्राच्या विधानसभेत स्पीकर आमची मेजॉरिटी या सरकारच्या विरोधातली सिद्ध करायची आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत या तिन्ही पक्षांच्या आघाडीच्या वतीनं 162 पेक्षा जास्त विधानसभेचे सदस्य हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधी मतदान करतील आणि त्यांच्या सरकारचा पराभव करतील ही काळ्या दगडावरची रेग आहे. फायनली यावर आता शिक्कामोर्तब झालेला आहे का मीटिंग मध्ये? महाविकास आघाडीच्या नेत्याच्या बाबतीत आज संध्याकाळी बैठक होऊन त्याचा अंतिम निर्णय होईल. त्यांच्याच नावावर शिक्कामोर्तब अजूनही झालं नाहीये का? या बाबतीत संध्याकाळी आपल्याला अधिक माहिती मिळेल. एमएलए नाराज है आपको किसने कहा? वो मैं पूछ रहा हूँ क्या नाम है बताइए, मैं आपको उनको आपके सामने पेश करता हूँ. अजीत पवार की खबर भी हो गई है, अजीत पवार अभी तक कुछ खबर आ रही है? अजीत पवार यहाँ इस क्षण में राज्य के उप मुख्यमंत्री है, मुझे मालूम नहीं उन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं. नहीं भी दिया है क्या वो अभी भी दरवाजे खुले में इसलिए नहीं दिया? हम तो ये मान के चलते हैं इफ एंड बट्स के बारे में रिस्पांस देना रिप्लाई देना आज जरूरी मैं नहीं समझता हूँ. हमारे 162 विधायक कल महाराष्ट्र की विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ भाजपा के खिलाफ वोटिंग करेंगे,
उसके बाद में ये जो इफ एंड बट्स है इसके बारे में पूरा पवार के बारे में ही मैं कह रहा हूँ। क्या उनके दरवाजे खुले हैं या नहीं? मैं उनके बारे में ही कह रहा हूँ कि इफ एंड बट्स का रिप्लाई आज नहीं दूंगा, कल शाम को। सर सर सर, 5 वाजता सगळ्या आमदारांची संध्याकाळी बैठक ठेवली ट्रायडंट वर, कुठे ना कुठेतरी तीनही पक्षातल्या नेत्यांना भीती वाटते का आपला एखाद दुसरा आमदार कुठून गेला तर बैठक? तुम्ही आमची हितचिंतक नाही हे वारंवार का जाहीर करताय? आम्ही एकत्रित बसायला लागलो तर आम्हाला भीती वाटते। आम्हाला भीती वाटते असं का समजतं? आम्ही आनंदाने एकत्रित येत असू, आम्ही काही सेलिब्रेशन करण्यासाठी एकत्रित येऊ शकतो। सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय हा इतका चांगला आहे की महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आम्हाला नक्की 100% बहुमत मिळेल या आनंदासाठी आज आम्ही संध्याकाळी एकत्रित जमलो असू, तर तुम्हाला काय अडचण आहे? सगळ्यांना एकत्र सगळे एकत्रित राहण्याची मागणी करतायत, तुम्हाला आम्ही कोणाला डांबून ठेवलेलं नाही, उलट सगळे मागणी करतायत। उलट माझ्या पक्षाकडे, मी अध्यक्ष आहे पक्षाचा, मला विधानसभेचे सदस्य सांगत होते की आमदार निवासाच्या खोल्या कमी आहेत, आमदारांची व्यवस्था करण्यासाठी आधीच आहे जे आमदार जे पराभूत झालेत त्यांनी खोल्या सोडलेल्या नाहीत, कुठेतरी व्यवस्था करा। उलट त्यांचा माझ्यावर आरोप आहे की मी ही व्यवस्था फार उशिरा केली। आज ट्रायडंटला सगळे एकत्र राहतील का आमदार? ट्रायडंटला कसे राहतील? ते फार महाग हॉटेल आहे, आम्हाला परवडत नाही। नाही तर संध्याकाळी त्याच्यावर आवश्यक ते विचार विनिमय होईल। ही बैठक कुठे आहे जो आघाडीचा नेता ठरवला जाणार, ही बैठक कुठे आणि किती वाजता आहे? नाही, सगळ्या आमदारांना विश्वासघात घेऊन निर्णय योग्य तो करायचा प्रयत्न आमचा आहे की आता पुढे उद्या मतदान आहे, त्याची स्ट्रॅटेजी काय आणि आमदारांसमोर घोषणा केली जाईल कोण असेल? नाही, मला माहित नाही की उद्या आज घोषणा केली जाईल किंवा नाही। आम्ही एकत्रित बसू, त्यावेळी विचार विनिमय करून, आमची आघाडी विचार विनिमय करून योग्य निर्णय करणारी आहे। एका रात्रीत जाऊन कुणाला तरी नेता निवडणं हे आमच्याकडे पद्धत नाही, आणि पहाटे शपथ घेण्याची तर पद्धत अजिबात नाही। आम्ही जर शपथ घेतली तर वाजत गाजत महाराष्ट्राच्या जनतेला विश्वासात घेऊन घेऊ। आणि वाजत गाजत अजित पवारांना पण तुम्ही येऊ द्याल? असं आहे की ते तिकडे गेलेले आहेत, त्यांना तुम्ही असे प्रश्न विचारून का सतत अडचणीत आणताय? मागणी मान्य करतील राज्यपाल, मागणी मान्य करतील बरं, कोर्टात जाण्याबाबत काही काय म्हणते आता?